हेलो गाइस, तो देखिए माई न्यूज़ पैक्स। क्यों हंस रहा है? सिद्धि ना हंस रहा है मुझे देख के। लड्डू खा लो गाइस। देखो कितना ब्लश कर रहा है ये मुंडा। ये फेशियल करके आया हुआ है। खाले खाले लड्डू खाले। तो गाइस वो लड्डू खाने में बिजी है और मेरे को कमेंट करके बताना ये कैसा लग रहा है। लग रही तो ये आ रहे हैं, अब इनका रिएक्शन देखते हैं। चाची। तो गाइस वो ना अंदर गए हैं और मुझे ना बड़े गौर से देख रहे थे। इसने ही खांसी लगा ली है चश्मा। बताना कैसा लग रहा है। वैसे मुझे शौक बहुत है चश्मे का, तो सो आज मैंने अपना पूरा कर लिया। और गाइज ये मेरा नहीं है, ये है सिद्धि का। सिद्धि ने लगाया हुआ था तो मैंने कहा 2 मिनट देंगे, मैं जरा वीडियो बना। चाची ने उतरवा लिया चिकन की चाची। तो गाइज मैं ना अभी रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते ना मुझे चक्कर आ गया और ये सिद्धि ना मुझे उठा के ले गया डॉक्टर के पास। और डॉक्टर था वो आंखों वाला और इसने मेरे को लगवा दिया चश्मा। ये ऐसा पागल है, आंखों वाले डॉक्टर पे ले गया ना। बताओ चक्कर क्या आंखों पे आया था जो मुझे चश्मा दरवा के ले आया मुझे। देखो गाइस इसके काम ऐसे हैं, डॉक्टर पे लेके जाना था मुझे, किसी और पे लेके जाना था, मर्ज वाले पे लेके जाना। मैं तो डॉक्टर के चक्कर में था, अब आंखों वाला हो जाऊंगा। इसने जाकर बोल दिया कि गाइस बेचारे गाइस 1 मिनट के लिए हमने कैमरा नीचे किया है क्योंकि ना मॉडल आ गई थी हमारी वीडियो में ना, हमारे पीछे मॉडल्स आ गई थी इसलिए मैंने कैमरे को नीचे कर दिया था ना। मैंने कहा फिर मॉडल्स दिख जाएगी, नजर लग जाती है, इसलिए हमने मॉडल्स को नहीं। सो गाइस ये हमारा मजाक मस्ती ऐसी चलती रहती है। और बस मैंने तो यही बताना था कि मैं रोटी बनाने लग रही थी और बनाते बनाते मुझे चक्कर आ गया। नहीं चक्कर बताओ आंखों पर आया जो ये मुझे आंखों वाले पर ले गया। और उसने भी कोई चश्मा देखो कितना बड़ा बड़ा चश्मा धर दिया है। कहते जी इनको कम दिखाई देने लगे चक्कर की वजह से। हाँ मानना मुझे फीवर था, उसकी वजह से मुझे चक्कर आया होगा। और ये मुझे डॉक्टर पे ले गया क्योंकि घर में और कोई था नहीं, यही था बंदा आदमी, ये मुझे चक्की ले गया उठा के। देख लो हिम्मत का आगे तो गाइज आप लोग बताना मुझे ये कैसा लग रहा है चश्मा मेरे फेस पर। और मैंने देखना कैमरे में है, मैं बार बार या तो सिद्धि को देख रही हूँ या खुद को ही देख रही हूँ। इसका तो फेस ही बड़ा ग्लो कर रहा है। देखो गाइज अगर सिद्धि लड़की होता ना तो कितना क्यूट होता, कितना सुंदर होता ना। सो गाइज अब सिद्धि पीने लगी है जलजीरा और साथ में खाएगी क्या ये चुलबुले। क्या चुलबुले भी पकड़। ये पूरा पैकेट तेरा ही है, अब भी कर फिर चेयर। अरे हमने खाना खाना है ना इसलिए। हम पी रहे हैं राजस्थानी जीरा जो कि बहुत टेस्टी है, आप यह सब हजम कर देगा। क्योंकि सिद्धि हमारे घर आया है, इसने कम से कम 2 बसें तो चेंज की होंगी, तो सफ़र में बंदा को थोड़ी घुटन वगैरह होती है ना, इसलिए मैंने कहा इसको जलजीरा ही पिला देते हैं और ठंडा भी रहेगा और इसको हजम भी करेगा। तो हम दूर की सोच के चलते हैं ना इसीलिए। साथ में ये लो भाई, क्या ये चुलबुले डायमंड टमाटो चुलबुला और एक चुलबुला अंदर बरान हो रहा है। देखो अलमारी में बड़ा हुआ है, इसका पता नहीं क्या घुमा हुआ, ये परेशान है, इसका घुमा ही रहता है। सो गाइज ऐसे हम लोग जो है मजाक मस्ती करते रहते हैं और ये हम मजाक ही कर रहे थे यहाँ पर जो भी बात थी। और सिद्धि का भी हमारे घर बहुत मन लगता है, तो बच्चे तो प्यार के होते हैं जी, जहाँ प्यार मिलता है वहीं पर जाते हैं। तो बस हम दोनों माँ बेटा ऐसे यहाँ पर बातें कर रहे थे। तो आपको हमारा ये छोटा सा फ़नी ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।